प्यारे बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट पटेल कोचिंग्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों, इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि फर्स्ट किलोमीटर है ना, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या दिया है, इक्वल टू रुपीज 15। ठीक है, अब उसके बाद हर किलोमीटर के लिए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर क्या होता है, हम लोगों को रुपीज 8 और देना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना देगा, वो रुपीज 15 देगा। कोई मान लो 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना देगा, वो रुपीज 15 प्लस 8 23 देगा। और मान लीजिए कोई 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना देगा, वो 23 प्लस 8 वो देगा रुपीज 31। तो बच्चों, इसका जो सीरीज है वो कैसा बन जाएगा, 15 23 31। और मान लीजिए कोई और सफ़र करेगा तो 8 रुपीज और देना पड़ेगा, तो 39। ऐसा करके ये चलते जाएगा। तो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, और ये प्लस बी हो जाएगा सेकेंड टर्म, और ए प्लस टू डी हो जाएगा ये थर्ड टर्म, और ए प्लस थ्री डी हो जाएगा ये फोर्थ टर्म। अब बच्चों, हम लोगों को देखना है कि इनमें कॉमन डिफरेंस जो है सेम है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस डी माइनस ए, ये जो सेकेंड टर्म होगा उसको फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। फिर बच्चों अगला देखते हैं, प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी इक्वल टू डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा 31 माइनस 23, ये भी हो जाएगा बच्चों 8। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, और एक ही कॉमन डिफरेंस के साथ माने 8 के साथ ये जो एपी है वो आगे चल रहा है। तो सेम कॉमन डिफरेंस 8 होने के कारण बच्चों ये जो है, दिस लिस्ट फॉर्म से एन एपी, या लिस्ट जो है एक एपी को फॉर्म करता है। बच्चों, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, कि मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कि मान लीजिए 1000 लीटर जो एयर है सिलेंडर में प्रेजेंट है, 1000 लीटर प्रेजेंट है एक टाइम में, तो 1000 लीटर का जो 1/4 होगा कितना होगा बच्चों, 1000 × 1/4 इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 250। तो 1000 से 250 माइनस कर देंगे तो 1000 − 250 इक्वल टू 750। तो 750 लीटर जो है एक बार में वो बचेगा, फिर अगली बार में क्या करेगा, वो 750 का 1/4 को बाहर निकालेगा। फिर से करते हैं इसको, तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 3, 4 × 8 = 32, और 188 कुछ आएगा बच्चों, है ना। तो इस सीरीज में चलेगा, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं तो एग्जांपल बताया कि अगर 1000 लीटर के रेशियो में जाएंगे तो 250 कम होते जाएगा, लेकिन जो 750 है उसका भी 1/4 हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो लेट द एयर प्रेजेंट
इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर बी एक्स, मान लीजिए जो एयर प्रेजेंट है वो एक्स यूनिट्स है, जैसे मैं यहाँ पे 1000 लीटर लिया तो हम लोग इसको एक्स यूनिट ले सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, रिगार्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बोला गया है क्वेश्चन में वो क्या बोला गया है कि एक टाइम में जो 1/4 है वो बाहर चला जाता है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, एक्स माइनस 1/4x ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन 1 माइनस x/4, इसका एलसीएम 4 आ गया, तो 4x माइनस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/4, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में कितना आ गया इसका बच्चों, 3x आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3x/4 से इसका 1/4 को माइनस करेंगे, तो माइनस 3x/4 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16, इसका एलसीएम 16 आ गया, तो 4 4 16, 4 3 12, 12x-3x=9x/16। तो जो सेकेंड अमाउंट जो बच रहा है सिलेंडर में कितना आ गया, 9x/16। अब इसको हम लोग थर्ड टाइम करते हैं तो हो जाएगा 9x/16 माइनस 9x/16 इंटू 1/4, क्योंकि इसका 1/4 अब हो जाएगा, इसको फिर सॉल्व करते हैं तो 9x/16 माइनस 9x/64, इसका एलसीएम कितना जाएगा 64, 4 9 36, एक्स माइनस 9x=27x/64। तो इस एपी के अपने को तीन टर्म मिल गए, कौन कौन से तीन टर्म मिले हैं, 3x/4, 9x/16 और 26/64। तो ये तीनों टर्म जो हैं इसमें हम लोग अब जान सकते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको टर्म अपन A1 ले लेते हैं, इसको टर्म A2 ले लेते हैं, इसको टर्म A3 ले लेते हैं, अगर ये तीनों एपी में हैं तो A2-A1 इक्वल होना चाहिए A3-A2 से, है ना। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, तो 9x/16 माइनस 3x/4, इसका एलसीएम क्या जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, तो 9x-4 4 16, 4 3 12, 12x=-3x/16। तो इस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का आंसर आ गया -3x/16। आप थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो 27x/64 माइनस 9x/16, इसका एलसीएम 64 आ जाएगा, तो 27x 64 होता है, और 4 9 36x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -9x/64। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 3x/16 इज नॉट इक्वल टू -9x/64, है ना। तो हेंस क्या हो गया, दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। तो बच्चों ये जो सीरीज है ये एपी नहीं है,